अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से जो है वो बिना इंटरनेट के गूगल मैप को यूज कर सकते हैं। हम बहुत सारी लोकेशंस के ऊपर ट्रेवल करते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं जहां पर इंटरनेट अवेलेबल आपके पास नहीं होता है, या आप जो है घर से बाहर जा रहे हैं और आपके पास कोई मोबाइल डाटा मौजूद नहीं है और घर के अंदर जो है वो आप वाईफाई के जरिए जो है इंटरनेट यूज करते हैं और आपके पास मोबाइल डाटा नहीं है, लेकिन आपको ट्रैवलिंग के दौरान जो है वो आपको मुश्किल पेश आ सकती है कि आपको कोई एड्रेसेस का पता नहीं है और जो है वो आप जो है वो गूगल मैप की मदद लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आप बिना इंटरनेट के जो है वो गूगल मैप को किस तरह से यूज कर सकेंगे और अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस चीज को देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने जो है अपने यहां पर मैं दोबारा इसको लोड कर लेता हूं, मेरा जो है मैं मोबाइल अपनी स्क्रीन को शो कर लेता हूं यहां पर ताकि आपको दिखा सकूं। ओके जी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन के ऊपर जाना है और गूगल मैप को आप ओपन कर लीजिएगा। तो मैं यहां पर गूगल मैप को ओपन कर लेता हूं। गूगल मैप को ओपन करने के बाद यहां पर जो है वो आपकी लोकेशन इस वक्त करंट देख रहा है। आपने करना क्या है, आपने यहां पर देखिए तो यहां पर तीन डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है जी। आपने इन डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर नीचे यहां पर आप तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखिए तो आपको जो है आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर ऑफलाइन मैप्स का ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलेगा। आपने इन ऑफलाइन मैप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बता रहा है कि आप सिलेक्ट योर ऑन मैप, ठीक है जी। ये आपने जब जो है आप किसी भी सफर के ऊपर जा रहे हैं तो जाने से पहले जो है आपने घर से जो है जहां पर इंटरनेट अवेलेबल है आपने ये यहां पर स्टेप कर लेना है। यहां पर आपको कह रहा है कि आप जिस लोकेशन के ऊपर जाना चाह रहे हैं, जहां पर जाना चाह रहे हैं वहां की जो है वो आप मैप यहां पर सिलेक्ट करें। आपने जहां पर फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर टू फैसलाबाद ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो आपने लाहौर से फैसलाबाद का मैप जो है यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहां पर सिलेक्ट योर ऑन मैप के ऊपर क्लिक कर देता हूं और जैसे क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए तो हमारे सामने कंप्लीट जो है वो यहां पर आ चुका है। अब जो है आप इसको यहां से जो है आप सिलेक्ट कर लें कि आप किस जहां से कहां तक का जो है वो ट्रेवल करना चाह रहे हैं। तो आप यहां पर देखें इस वक्त वो आपको बता भी गया है कि इस वक्त जो है इतना आप डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर देखें तो मैं दो तीन डिस्ट्रिक्ट यहां पर कवर हो रहे हैं। तो यहां पर आपको वो बता रहा है कि यहां पर 30 MB का ये डेटा बन जाएगा। अगर आप जो है किसी और जगह के ऊपर यहां पर जाना चाह रहे हैं तो आप यहां पर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं तो ये देखें 15 MB का रह गया है। तो जितना भी आपने ट्रेवल करना है वो आपको यहां पर जो है वो बनता चला जाएगा। यहां पर करने के बाद आपने जितना जिस एरिया को जहां पर जाना चाहते हो उस सारे एरिया को सिलेक्ट करें और यहां पर डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहां से देखिए तो आपको यहां पर जो है ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने यहां पर देखें ऑलरेडी पहले भी एक जो है वो मैप जो है वो इस चीज के ऊपर जो है वो डाउनलोड किया हुआ है और यहां पर मेरे पास जो है वो सेव है। तो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद मैंने इस वक्त पूरा का पूरा जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ कि अगर मैं किसी भी जगह के ऊपर जाता हूं और कोई लोकेशन मुझे अवेलेबल नहीं होती है, मुझे मौजूद नहीं होती है, तो मेरे पास इंटरनेट अगर अवेलेबल ना भी हो तो मैं यहां पर जो है वो उसको चेक कर सकता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस वक्त जो मैप है इसकी डाउनलोडिंग हो रही है और ये मैप जो है जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको इंटरनेट की जरूरत जो है वो पेश नहीं आएगी, आप बिना इंटरनेट के इसको जो है वो यूज कर सकेंगे। यहां पर देखिए तो ये बन चुका है और यहां पर 19 MB का ये डाउनलोड हुआ है और एक्सपायर 90 नवंबर 2020, यानी कि ये
एक साल के लिए अवेलेबल है आपके पास, ठीक है जी। तो एक साल तक जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर उसके बाद यूज करना हो तो आप दोबारा इसको डाउनलोड करेंगे। आपने इसको ओपन कर लेना है और यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कंप्लीट यहां पर आपके मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करके और यहां से आप इसकी लोकेशन जो है वो अपनी सेंड करके आप जो है आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस पूरा मैप इस वक्त आपके सामने आ चुका है। आप जैसे गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहां से जो है वो ट्रेवल कर सकेंगे और इसमें आपको किसी भी किस्म के इंटरनेट की जो है वो आपको जरूरत पेश नहीं आएगी। और ये बहुत ही जबरदस्त जो है वो गूगल जो है वो मैप की जानिब से जो है वो फीचर दिया गया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।